मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के बीसवें भाग का वाचन फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी गांव में उख की बुआई लग गई थी अभी धूप नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया है धनिया सोना रूपा तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल, निकाल कर खेत में ला रही है और हो रही गणासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है अब वो दातादीन की मजदूरी करने लगा है किसान नहीं मजूर है दातादीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं बल्कि मजदूर का नाता है दातादीन ने आकर डांटा हाथ और फुर्ती से चला हो इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट सकोगे होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा चला ही तो रहा हूं महाराज बैठा तो नहीं हूं दाता दीन मजूरों से रगड़कर काम लेते थे इसलिए उनके यहां कोई मजूर टिकता ना था होरी उसका स्वभाव जानता था पर जाता कहा पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले चलाने चलाने में भेद है एक चलाना वो है कि घड़ी भर में काम तमाम दूसरा चलाना वो है कि दिन भर में एक बोझ ऊख ना कटे होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था प्राय एक जून तो चबेने पर ही कटता था दूसरे जून कभी आधा पेट भोजन मिला कभी कड़ाका हो गया कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे मगर हाथ जवाब दे रहा था उस पर दाताधीन सिर पर सवार थे क्षण भर दम ले लेने पाता तो ताजा हो जाता लेकिन दम कैसे ले घुड़कियां पड़ने का भय था धनिया और तीनों लड़कियां ऊख के गठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ से सनी हुई आई और गठ्ठी पटक कर दम मारने लगी कि दाता दीन ने डांट बताई यहां तमाशा क्या देखती है धनिया जै अपना काम कर पैसे सैंत में नहीं आते पैर भर में तू एक खेप लाई है इस हिसाब से तो दिन भर में भी हूं ना ढुल पाएगी धनिया ने त्योरी बदलकर कहा क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज हम भी तो आदमी हैं तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए जरा मूड पर एक गठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो दाता दीन बिगड़ उठे पैसे देते हैं काम करने के लिए दम मारने के लिए नहीं दम मार लेना है तो घर जाकर दम लो धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने भटकार बताई तू जाती क्यों नहीं धनिया क्यों हज्जत कर रही है धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा जा तो रही हूं लेकिन चलते हुए बैल को आंगी न देना चाहिए दाता दीन ने लाल ला आंखें निकाल ली जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ जब ही दाने दाने को मोहताज हो धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं जाती दाता दीन ने पहने स्वर में कहा अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी धनिया के पास जवाब तैयार था पर सोना उसे खींचकर कर तलैया की ओर ले गई नहीं बात बढ़ जाती लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली भीख मांगो तुम जो भिकमंगे की जात हो हम तो मजूर ठहरे जहां काम करेंगे वहीं चार पैसे पाएंगे सोना ने उसका तिरस्कार किया अम्मा जाने भी दो तुम तो समय नहीं देखती बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो हो उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गणासा उठा उठा कर के टुकड़ों के ढेर करता जाता था उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था वो इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा सिर में फिरकी सी चल रही थी फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे उसकी देह से पसीने की धारा निकल रही थी मुंह से फिचूकर निकल रहा था सिर में धम धम का शब्द हो रहा था पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया मालूम हुआ वो जमीन में धंसा जा रहा है उसने संभलने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया गड़ा सा हाथ से छूट गया और वो औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया उसी वक्त धनिया ऊख का लिए आई देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था मालिक तुम्हें ऐसी बात ना कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए पानी मरते ही मरते तो मरेगा धनिया ऊख का गट्ठा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर विलाप करने लगी तुम मुझे छोड़कर कहां जाते हो अरे सोना दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है हे भगवान अब मैं कहा जाऊं अब किसकी होकर रहूंगी कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले क्या करती है धनिया होश संभाल होरी को कुछ नहीं हुआ गर्मी से अचेत हो गए हैं अभी होश आया जाता है दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली क्या करूं लाला जी नहीं मानता भगवान ने सब कुछ हर लिया मैं सबर कर गई अब सबर नहीं होता हाय रे मेरा हीरा सोना पानी लाई पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे होरी के देह ठंडी पड़ गई थी पटेश्वरी को भी चिंता हुई पर धनिया को बराबर साहस देते जाते थे धनिया अधीर होकर बोली ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला कभी नहीं पटेश्वरी ने पूछा रात कुछ खाया था धनिया हां रोटियां पकाई थी लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वो क्या तुमसे छिपा है महीनों से भर पेट रोटी नसीब नहीं हुई कितना समझाती हूं जान रखकर काम करो लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं सैसा हुरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका धनिया जैसे जी उठी वेवल होकर उसके गले से लिपट कर बोली अब कैसा जी है तुम्हारा मेरे तो परान न हो में समा गए थे होरी ने कातर स्वर में कहा अच्छा ना जाने कैसा जी हो गया था धनिया ने स्नेह में डूबी भर्सना से कहा देह में दम तो है नहीं काम करते हो जान देकर लड़कों का भाग था नहीं तुम तो ले ही डूबे थे पटेश्वरी ने हंसकर कहा धनिया तो रो पीट रही थी होरी ने आतुरता से पूछा सचमुच तू रोती थी धनिया धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा इन्हें बकने दो तुम पूछो ये क्यों कागज लेकर मेरे घर से दौड़े आए थे पटेश्वरी ने चढ़ाया तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी अब लाज के मारे मुंह है छाती पीट रही थी होरी ने धनिया को सजल नित्रों से देखा पगली है और क्या अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे चिल्लाए रखना चाहती है दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया दाता दीन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है पर माता दीन इतना निर्दय न था दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया गांव के कुत्ते पहले तो भूखते हुए उसकी तरफ दौड़े फिर हिलाने लगे रूपा ने कहा भैया आए और तालियां बजाती हुई दौड़ी सोना भी दो तीन कदम आगे बढ़ी पर अपने उछाह को भीतर ही दबा गई एक साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता है आज तो वो रानी है इस फटेहाल में भी रानी है कोई उसकी आंखें देखे उसका मुख देखे उसका हृदय देखे उसकी चाल देखे रानी भी लजा जाएगी गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी उसका मन कहता था गोबर कुशल से है और प्रसन्न है आज उसे आंखों देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया है मगर होरी ने मुंह फेर लिया था गोबर ने पूछा दादा को क्या हुआ है अम्मा धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी ना करना चाहती थी बोली कुछ नहीं बेटा जरा सिर में दर्द है चलो कपड़े उतारो हाथ मुंह धो कहां थे तुम इतने दिन भला इस तरह कोई घर से भागता है और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी आज साल भर के बाद जाके सुधी ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई यही आशा बंधी रहती थी कि कब वो दिन आएगा और कब तुम्हें तो देखूंगी कोई कहता था मिरच भाग गया कोई डमरा टापू बताता था सुन सुनकर जान सूखी जाती थी कहां रहे इतने दिन गोबर ने शर्माते हुए कहा कहीं दूर नहीं गया था अम्मा ये लखनऊ में तो था और इतनी नियर रहकर कभी एक चिट्ठी ना लिखी उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बांट बखरा करने में लगी हुई थी लेकिन जुनिया दूर खड़ी थी उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा है गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है आज वो उसका बदला लेगी असामी को देखकर महाजन उससे वो रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी सोना बोली भैया तुम्हारे लिए आयना कंघी लाए हैं भाभी झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा मुझे ऐना कंघी ना चाहिए अपने पास रखे रहे रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली ओहो ये तो चुन्नू की टोपी है और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया झुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वो बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता वहीं बैठ गया और चीजें निकाल निकाल हर एक को देने लगा मगर रूपा इसलिए भूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं लाए और सोना उसे चिढ़ाने लगी तू क्या करेगी चप्पल लेकर अपनी गुड़िया से खेल हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते तू मेरा चप्पल देखकर क्यों रोती है मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है वो गांव भर में बैना बंटवाएगी एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था वो चाहती थी हाड़ी उसके सामने रख दी जाए वो कूद कूद खाए अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियां निकलने लगी सभी किनारदार थी जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती हैं मगर हैं बड़ी हल्की ऐसी महीन साड़ियां भला कैदिन चलेंगी बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियां चाहे पहने उनकी महरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है अच्छा होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है धनिया प्रसन्न होकर बोली ये तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया था धनिया की साड़ी में कई पैबंदे लगे हुए थे सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे रूपा की धोती में चारों तरफ झाल रैसी लटक रही थी सभी के चेहरे रूखे किसी की देह पर चिकनाहट नहीं जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संच कर रखा हुआ था इस वक्त तो चबेने पर कटती थी मगर गोबर वो गोबर थोड़े ही है उसको जौ का आटा खाया भी जाएगा परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं आटा चावल घी उधार लाई इधर महीने से सहुआइन एक पैसे की चीज भी उधार न देती थी पर आज उसने एक बार भी ना पूछा पैसे कब दोगी उसने पूछा गोबर तो खूब के आया है ना धनिया बोली अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा हां सबके लिए किनारदार साड़ियां लाया है तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया मेरे लिए तो यही बहुत है दुलारी ने आशीष दिया भगवान करे जहां रहे कुशल से रहे माँ बाप को और क्या चाहिए लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है हमारे रुपए अभी ना मिले तो ब्याज तो दे दो दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है उधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था अंदर गोबर और झुनिया में मान मनोवल का अभिनय हो रहा था झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहां बिठा दिया आप परदेश की राह ली फिर न खोज न खबर कि मरती है या जीती है साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है कितने बड़े कपटी हो तुम मैं तो सोचती हूं कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे मर्दों का विश्वास ही क्या कहीं कोई और ताकली होगी सोचा होगा एक घर के लिए है ही एक बाहर के लिए भी हो जाए गोबर ने सफाई थी। झुनिया में भगवान को साक्षी देकर कहता हूं जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता चाहूंगा इसलिए आया हूं तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे दादा तो मेरी जान लेने पर उतारू थे सच तीनों जने यहाँ चढ़ाए अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए हाँ हमारे दोनों बैल खोल ले गए इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं दादा अकेले किस किस से लड़ते गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे लेकिन दादा ही भलमंसी में आ गए तो और लोग क्या करते तो आजकल खेती बारी कैसे हो रही है खेती बारी सब टूट गई थोड़ी सी पंडित जी महाराज के साझे में है उख बोई ही नहीं गई गोबर की कमर में इस समय दो सौ रुपए थे उसकी गर्मी और भी कम ना थी यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई बोला तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूं उनकी यह मजाल की मेरे द्वार पर बैल खोल ले जाए ये डाका है खुला हुआ डाका तीन तीन साल को चले जाएंगे तीनों यो ना देंगे तो अदालत से लूंगा सारा घमंड तोड़ दूंगा वो उसी आवेश में चला कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली तो चले जाना अभी ऐसी क्या जल्दी है कुछ आराम कर लो कुछ खा पी लो सारा दिन तो पड़ा है यहां बड़ी बड़ी पंचायत हुई पंचायत ने अस्सी रुपए डांड लगाए तीन मन अनाज ऊपर उसी में तो और तबाही आ गई सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई कपड़े पहनकर वो जैसे सचमुच राजा हो गया था गोबर ने उसे गोद में ले लिया पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद ना आया उसका रक्त खोल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे वो एक एक से समझेगा पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बेकारड़ा अगर इसी बात पर वो फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई क्या समझ लिया है इन लोगों ने बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो जुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली अब जाकर नहा धो लो किस सोच में पड़ गए यहां सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निबाह ना हो जिसके पास पैसे हैं वही भला आदमी है पैसे ना हो तो उस पर सभी रोप जमाते हैं मेरा गधापन था कि घर से भागा नहीं देखता कोई कैसे एक ढेला डांड लेता है शहर की हवा खाए आए हो तभी ये बातें सूझने लगी हैं नहीं घर से भागते क्यों यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी दाता दीन झिंगरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है साहित लाओ निकालो देखू इतने दिनों में क्या कमा लाए हो उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया गोबर खड़ा होकर बोला अभी क्या कमाया हाँ तुम चलोगी तो कमाऊंगा साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने ही मिल गया अम्मा जाने देंगी तब तो अम्मा क्यों ना जाने देंगी उनसे मतलब वाह मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहां वो अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहा जाती जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परदेश ही करते रहोगे और यहां बैठकर क्या करूंगा कमाओ और मरो इसके सिवा यहां और क्या रखा है थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहां भूखों नहीं मर सकता यहां तो अकल कुछ काम ही नहीं करती दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे कभी नहीं भूल कर भी नहीं अम्मा तो पहले बिगड़ी थी लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा जब बुलाते हैं बड़े प्यार से मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं अपने बाप को देखते तो मैंने देवता समझती हूं अम्मा को समझाया करते हैं बहू को कुछ ना कहना तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठाकर आप ना जाने कहां निकल गया आजकल पैसे पैसे की तंगी है ऊ के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए अब तो मजूरी करनी पड़ती है आज बेचारी खेत में बेहोश हो गए रोना पीटना मच गया तब से पड़े हैं मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कर आया फिर और मित्रों से मिला गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था हां पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झींगरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोंकने लगा जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए साली भर में वो क्या से क्या हो गया था सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए गोबर निकला मगर सलाम न किया न बोला वो ठाकुर को दिखा देना चाहता था मैं तुम्हें तो कुछ नहीं समझता झींगरी सिंह ने खुद ही पूछा कब आए गोबर मजे में तो रहे कहीं नौकर थे लखनऊ में गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था नौकरी है तो गुलामी मैं व्यापार करता था ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा कितना रोज पैदा करते थे गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया यही कोई ढाई तीन रुपए मिल जाते थे कभी चटक गई तो चार भी मिल गए इससे बेसी नहीं झींगरी बहुत नोच खसोट करके भी पच्चीस तीस से ज्यादा न कमा पाते थे और ये गंवार लौंडा सौ रुपये कमाने लगा उनका मस्तक नीचा हो गया अब किस दावे से उस पर रौब जमा सकते हैं वर्ण में वो जरूर ऊंचे हैं लेकिन वर्ण कौन देखता है उससे स्पर्धा करने का ये अवसर नहीं अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है बोले इतनी कमाई कम नहीं है बेटा जो खर्च करते बने गांव में तो तीन आने भी नहीं मिलते भवनिया उनके जेठे पुत्र का नाम था को भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दो न पढ़े ना लिखे एक ना एक उपद्रव करता रहता है कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना नहीं साथ ही लेते जाना तुम्हारा तो मित्र है तलब थोड़ी हो कुछ गम नहीं हाँ चार पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करें पेट नहीं भरता लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वो मेरी गर्दन पकड़ेगा संसार में इलम की कदर नहीं है ईमान की कदर है ये तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया झींगरी मन में ऐठ कर रह गई लौंडा कितने घमंड की बातें करता है मानो धर्म का अवतार ही तो है इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा भोजन करने जा रहे थे गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले मजे में तो रहे गोबर सुना वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना भंग पीकर पड़े रहने के सिवाय यहां और कौन काम है गोबर ने बनाया तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ ना कुछ मार ही लाओगे जन्म में लो मरण में लो शादी में लो गमी में लो खेती करते हो लेन देन करते हो दलाली करते हो किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो इतनी कमाई से पेट नहीं भरता क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है दातादीन ने देखा गोबर कितनी ढिटाई से बोल रहा है अदब और लिहाज जैसे भूल गया अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है सच है छोटी नदी को उमड़ती देर नहीं लगती मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया जैसे बड़े लोग बालकों से कर भी हंसते हैं उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले लखनऊ की हवा खाके तू बड़ा चंट हो गया है गोबर ला क्या कमा के लाया कुछ निकाल सच कहता हूं गोबर तुम्हारी बहुत याद आती थी अब तो रहोगे कुछ दिन हां अभी तो रहूंगा कुछ दिन उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे डेढ़ सौ रुपए हजम किए हैं देखू कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है ये धमकी देकर वो आगे बढ़ा उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रौब में डाल दिया था एक ने कहा कर दो नालिस गोबर भैया बुढा काला सांप है जिसके काटने का मंत्र नहीं तुमने अच्छी डांट बताई पटवारी के कान भी जरा गर्मा दो बड़ा मुतफन्नी है दादा बाप बेटे में आग लगा दे भाई भाई में आग लगा दे कारेंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है अपने खेत पीछे जोतो पहले उसके खेत जोत दो अपनी सिंचाई पीछे करो पहले उसकी सिंचाई कर दो गोबर ने मुँछों पर ताव देकर कहा मुझसे क्या कहते हो भाई साल भर में भूल थोड़े ही गया यहां मुझे रहना ही नहीं है नहीं एक एक को नचा कर छोड़ता अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिंगो भिंगो कर लगाओ होली का प्रोग्राम बनने लगा खूब भंग घुटे दुधिया भी नमकीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखिया के मुंह पर कालिक ही पोती जाए होली में कोई बोल ही कह सकता है फिर स्वांग निकले और पंचों की भत्त जाए रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं गोबर भाई कमा कर आए हैं भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध ना दे उसे चैन नहीं वो लड़ने मरने को तैयार था होली ने कातर स्वर में कहा रार मत बढ़ाओ बेटा भोला गोई ले गए भगवान उनका भला करे लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे गोबर ने उत्तेजित होकर कहा दादा तुम बीच में न बोलो उनकी गाय पचास की थी हमारी गोई डेढ़ सौ में आई थी तीन साल हमने जो थी फिर भी की थी ही वो अपने रुपए के लिए दावा करते डिग्री कराते या जो चाहते करते हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए और तुम्हें क्या कहूं इधर गोई घो गो बैठे उधर डेढ़ सौ रुपये डाण के भरे यह गऊ होने का फल मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता तीनों को यहां जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है लेकिन तुम बैठे ताकते रहे होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया लेकिन धनिया ये अनीत कैसे देख सकती थी बोली बेटा तुम भी अंधेर करते हो हु। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह होता जवान लड़की बैठी है उसका अभी कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं गोबर ने बात काटी हुक्का पानी सब तो था बिरादरी में आदर भी था फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ बोलो इसलिए कि घर में रोटी ना थी रुपए हों तो ना हुक्का पानी का काम है ना जात बिरादरी का दुनिया पैसे की है हुक्का पानी को कोई नहीं पूछता धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला होरी बैठा सोच रहा था लड़की की अकल जैसे खुल गई है कैसी बेलाग बात कहता है उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था सहसा होरी ने उससे पूछा मैं भी चला चलूं मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा डरो मत मेरी और कानून है मैं क्यों लड़ाई करने लगा मैं भी चलूं तो कोई हरज है हाँ बड़ा हरज है तुम बनी बात बिगाड़ दोगे होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया पांच मिनट भी ना हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली क्या गोबर चला गया अकेले मैं कहती हूं तुम्हें तो भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं बोला क्या सहज में गोई देगा तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह भगवान ही कुशल करे अब किससे कहूं दौड़कर गोबर को पकड़ ले तुमसे तो मैं हार गई होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा गांव के बाहर उसने निगाह दौड़ाई एक क्षीण सी रेखा क्षित से मिलती हुई दिखाई दी इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी उसने क्यों गोबर को रोका नहीं अगर वो डांट कर कह देता भोला के घर मत जाओ तो गोबर कभी न जाता और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता वो हारकर वहीं बैठ गया और बोला उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है कौणियां समेट कर भागे की सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा अरे ये तो गोबर्धन है गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है बोला डरो मत जंगी भैया मैं हूं राम राम आज ही आया हूं सोचा चलूँ सबसे मिलता हूं फिर न जाने कब आना हो मैं तो भैया तुम्हारी आशीर्वाद से बड़े मजे में निकल गया जिस राजा की नौकरी में हूं उन्होंने मुझसे कहा है कि एक दो आदमी मिल जाए तो लेते आना चौकीदारी के लिए चाहिए मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि जान चली जाए मैदान से हटने वाले नहीं इच्छा हो तो मेरे साथ चलो अच्छी जगह है जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया उसे कभी चमरोधी जूते भी मयसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था साफ सुथरी धारीदार कमीज सवारे हुए बाल पूरा बाबू साहब बना हुआ फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था हिंसा भाव कुछ तो ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया जो आड़ी था ही उस पर गांजे की लत और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे मुंह में पानी भर आया बोला चलूंगा क्यों नहीं यहां पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूं क्या रुपए मिलेंगे गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा इसकी कुछ चिंता ना करो सब कुछ अपने हाथ में है जो चाहोगे वो हो जाएगा हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए जंगी ने उत्सुकता से पूछा क्या काम करना पड़ेगा काम चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादे पर जाओ तगादे का काम सबसे अच्छा असामी से गठ गए आकर मालिक से कह दिया घर पर है नहीं चाहो तो रुपए आठ आने रोज बना सकते हो रहने की जगह भी मिलती है जगह की कौन कमी पूरा महल पड़ा है पानी का नल बिजली किसी बात की कमी नहीं है कामता है कि कहीं गए हैं? दूध लेकर गए हैं मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो मैं अब बहुत कम पीता हूं भैया लेकिन दो पैसे रोज तो चाहिए ही तुम कामता से कुछ ना कहना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हाँ हाँ बेखटके चलो होली के बाद तो पक्की रही दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुंचे भोला बैठे सुतली कांत रहे थे गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया बोला काका मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो भोला ने सुतली कातना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे लेकिन अपने द्वार पर आए हो अब क्या कहूं जाओ जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे कब आए गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी बोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया जंगी घर पर एक ना एक उपद्रव करता रहता था बाहर चला जाएगा तो चार पैसे पैदा तो करेगा न किसी को कुछ दे अपना बोझ तो उठा लेगा गोबर ने कहा नहीं काका भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो साल दो साल में आदमी हो जाएंगे हाँ जब इनसे रहते बने सिर पर आप पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है तो कब जाने का विचार है होली करके चला जाऊंगा यहां खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दू तो निश्चिंत हो जाऊं होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें कहता तो हूं लेकिन जब उनसे बैठा जाए वहां किसी बैद से तुम्हारी जान पहचान होगी खांसी बहुत दिक्कत कर रही है हो सके तो कोई दवाई भेज देना एक नामी बैत तो मेरे पड़ोसी में रहते हैं उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा खांसी रात को को जोर करती है कि दिन को। नहीं बेटा रात को आंख नहीं नहीं लगती नहीं वहां कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूं यहां तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता रोजगार का जो मजा वहां है काका यहां क्या होगा यहां रुपए का दस सिर दूध भी कोई नहीं पूछता हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है वहां पांच छह के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच डालो जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया भोला ने एकांत देख कर कहा और भैया अब इस जंजाल से जी उब गया है जंगी का हाल देखते ही हो काम तो दूध लेकर जाता है सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं कहां तक हाय हाय करूं रोज लड़ाई झगड़ा किस किस के पांव सहलाऊं खांसी आती है रात को उठा नहीं जाता पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता पगहिया टूट गई है मुदा किसी को इसकी सुध नहीं है जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा तुम चलो लखनऊ काका पांच शेर का दूध बेचो नगद कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूं मेरी चाय की दुकान भी है दस शेर दूध तो मैं ही नित लेता हूं तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना होगा जंगी दूध या ले आया गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका तो एक रुपए कहीं नहीं गया है बोला ने एक मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था उसे लेते जाना यहां कौन खेती होती है मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका नहीं नहीं नई गोई लेकर क्या करोगे इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो है, बिरादरी का है। नहीं तुम में में और हम में कौन भेद है? सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में है आराम से है और मैं उसकी खून का प्यासा बन गया था संध्या समय गोबर यहां से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की दो हाड़ियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के बीसवें भाग का वाचन